हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनेस्ट रिएक्शन। माय नेम इज भावेश। और मेरा नाम है जगदीश। तो आज भाऊ क्या दिखाने वाला है? आज हम परेड देखने वाले हैं। पाकिस्तान डे के दिन हुई थी 23 मार्च को। तो वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम J-7C फ्लाई पास्ट ऑन पाकिस्तान डे परेड। तो पाकिस्तान डे परेड 23 मार्च को आता है। तो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इंस्टा पे, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स वीडियो सेंड भेजने के लिए। तो देखते हैं कि वीडियो में क्या, और ये फर्स्ट टाइम J-7C किया है ये भी देखते हैं। और इंडिया के हमने देखे हैं कि फ्लाई पास्ट के मतलब जो भी परेड होती है, अब पाकिस्तान की देख लेते हैं। मैंने पहले भी एक दो वीडियो किए थे पर ये लेटेस्ट है। तो इसमें क्या अपडेशन है और कैसी तैयारियां हैं ये तो वीडियो देखने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो बताते हैं आपको कैसा लगा वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ओके ओके शुरू करें। यस ओके। सरहदों के रखवाले आपके सामने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा पेश करेंगे। आज का फ्लाई पास्ट बेपनाह अहमियत का हामिल है, क्योंकि हाल ही में पाक फिजाइया के दस्ते का हिस्सा बने 4.5 प्लस जनरेशन J-10C लड़ाका तैयारे पहली बार परेड वेन्यू पर जलवागर होंगे। ये फ्लाई पास्ट दरख्शां रवायत के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू निशाने इम्तियाज मिलिट्री की कमान में आपके सामने पेश किया जाएगा। इस फ्लाई पास्ट का मुनफरिद अम्र यह है कि सरबरा पाक फिजाइया के F-16 ब्लॉक 52 के हमरा दो J-10C आज के फ्लाई पास्ट का आगाज करेंगे और लीनियर बॉम्बर्स पेश करते हुए सदर पाकिस्तान को मुनफरिद अंदाज में सलामी पेश करेंगे। सरबरा पाक फिजाइया के हमरा J-10C तैयारों में मेवे परवाज हैं विंग कमांडर बिलाल रजा और स्कॉर्डिनेटर हसन अनीस। मौजूद खवातीन हजरात, निगाहें मरकूज रखिए परेड वेन्यू के दाएं जानिब के सरबरा पाक फिजाइया की फॉर्मेशन किसी भी लम्हे नमूदार हुई चाहती है। और वो परेड वेन्यू के दाएं जानिब से दाखिल होती हुई सरबरा पाक फिजाइया की F-16 ब्लॉक 52 जिनके हमरा दो J-10C तैयारे तेजी के साथ सलामी के चबूतरे की जानिब गामजन सदर पाकिस्तान को सब्ज हिलाली परचम के सामने ये एक खूबसूरत अंदाज में सलामी पेश करेंगे। मौजूद खवातीनो हजरात, ये सलामी का खूबसूरत अंदाज Approaching the venue is a three-ship formation of the fast and furious Mirages. Mirage तैयारों की इस formation की कयादत wing commander Rashid Suleri कर रहे हैं, जबकि wingman के फराइज flight lieutenant Dayan और squadron इमायत अदा कर रहे हैं। 300 फुट की बुलंदी और 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए मिराज तैयारे एक दिलकश अंदाज सदर पाकिस्तान को सलामी देने का। Enemy's biggest nightmare approaching the venue are the Griffins, four state-of-the-art F-16s of number 9 squadron. Air Officer Commanding Central Air Command, Air Vice Marshal Zafar Aslam ki qayadat mein, ye formation, Group Captain Zeeshan, Wing Commander Usman Niazi, Squadron Leader Waqas Rashid, aur Squadron Leader Umair Riaz par mushtamil hai. In shaheenon ka nara hai, Bazu-e Himmat se hai, Parvaz-e-Shauk. Ladies and gentlemen, again approaching from the right is the nation's pride, the formation of 4 JF-17 Thunder of number 26 squadron, known as the Black Spiders. JF-17 Thunder तैयारों की इस formation की कयादत wing commander Zishanullah Baryar कर रहे हैं, जिनके हमरा squadron leader Rahil, squadron leader Abdul Monim और wing commander Danish मेवे परवाज हैं। Black Spiders का नारा है, छपटना पलटना, पलट कर छपटना। Next running in towards the venue is the formation of very lethal and dependable Mirage aircraft from number 27 squadron known as the Zarars. Khawateen o Hazrat, parade venue ke daaye janib se dakhil hoti is waqt aapke samne number 27 squadron ke Mirage taiyaron ki ye formation wing commander Ali Shah Nawaz Cheema ki qiyadat mein flypast ka muzahira pesh kar rahi hai. Deegar hawabazon mein squadron leader Qazi Mujtaba, squadron leader Waleed Rauf aur squadron leader Ramesh Safdar shamil hain. इन जांबाजों का नारा है, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रॉम द राइट, नेक्स्ट फॉर्मेशन हेडिंग टुवर्ड्स द वेन्यू इज ऑफ एवर डिपेंडेबल F-7PG एयरक्राफ्ट दैट बिलोंग टू नंबर 17 स्क्वाड्रन, द टाइगर्स। ऑफिसर कमांडिंग नंबर 17 स्क्वाड्रन विंग कमांडर कामरान यासीन की कयादत में ये फॉर्मेशन फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज जुनेद, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद बिलाल और विंग कमांडर जाहिद जमाल पर मुश्तमिल है। टाइगर्स का नारा है,
जर्ब मेरी कोशिकन। Approaching from the right is the formation of the Old Guard and Agile F-7P aircraft from Shooter Squadron. F-7P तैयारों की कयादत विंग कमांडर हसीब अब्दुल्ला कर रहे हैं और उनके हमरा फ्लाइट लेफ्टिनेंट फरहान खालिद, फ्लाइट लेफ्टिनेंट राफे और विंग कमांडर तैमूर नवाज खान महवे परवाज हैं। शूटर्स का नारा है, तेरे सामने आसमां और भी हैं। And now, ladies and gentlemen, the most anticipated, the impatiently awaited, about to dazzle the venue, the formidable, the aware, the hunter, the game changer, the vigorous dragon, the J-10C. J-10C formation की कयादत wing commander इम्तियाज रहीम कर रहे हैं, जबकि wingman के फराइज squad leader जीशान और squad leader अली कासिम सर अंजाम दे रहे हैं और ये सब हिलाली परचम के सामने सलामी देने का खूबसूरत अंदाज। Now the force multipliers will present the flypast. First three AVACs are approaching the venue. These aircraft are well known to be the eyes and ears of Pakistan Air Force in air. किसी भी एयर फोर्स में एयरबॉर्न सर्विलेंस सिस्टम फोर्स मल्टीप्लायर की हैसियत रखते हैं। आगे परवाज करने वाला तैयारा कराकरम ईगल 3 है, जिसमें मैवे परवाज, विंग कमांडर काशिफ हुसैन, स्क्वाड लीडर अदनान साजिद और विंग कमांडर नबील इश्तियाक हैं। दाएं जाने परवाज करने वाले सैप 2000 को विंग कमांडर हसन यूसुफ, स्क्वाड लीडर अवैस और स्क्वाड लीडर अब्बास घुमन, जबकि बाएं जाने विंग कमांडर वकास जेब, स्क्वाड लीडर कासिम सलीम और स्क्वाड लीडर आसिफ उड़ा रहे हैं। इन शाहीनों का नारा है, फिजाए बद्र पैदा कर। नाउ ऑन द होराइजन यू कैन सी अ फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-3C ओरायन, which belongs to number 28 strike squadron of Pakistan Naval Aviation. Pak Behriya ke jadid tareen P-3C Orion tayare formation mein parvaz karte hue salami ke chabutre ki janib badh rahe hain. Ye tayare taveel faasle tak musalsal 17 ghante fiza mein rehkar dushman ki aabdozon aur samundri jahazon ke khilaf operation karke inko thikane lagane ki badalat flying destroyers ke naam se jane jate hain. आज की ये फॉर्मेशन कमांडर सईद रूमी की कयादत में मैवे परवाज है, जिनकी मुआवनत लेफ्टिनेंट कमांडर असद खान कर रहे हैं। दाएं जानिब तैयारे में कमांडर ताहिर और कमांडर अकील, जबकि बाएं जानिब तैयारे में 28 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन सलीम नासिर और कमांडर वलीद उड़ान के फराय सर अंजाम दे रहे थे। इन जाबाजों का नारा है, फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। पाक फिजाइया और पाक बहरिया का फ्लाई पास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। ख्वातीनों हजरात, सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी यौम पाकिस्तान परेड से खिताब फरमाएंगे। ख्वातीनों हजरात, सदर पाकिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहतरम इमरान खान साहब, वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हुज़राए इकराम, अराकीन पार्लिमान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, मुसल्ला अफराज के सरबराहान, प्रेसिडेंट, इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा और अकाबरीन, सुफराए कराम, दोस्त ममालिक की नुमाइंदगी करने वाले फौजी अफसरान, परेड कमांडर, शुरकाए परेड, मेरे अजीज हम वतनों और भाइयों बहनों, अस्सलाम अलैकुम। मैं यौम पाकिस्तान के मौके पर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं। 23 मार्च के ओके। तो वीडियो यहां खत्म हुआ, इनकी स्पीच अधूरी थी, लेकिन जो फ्लाई पास था, जो मार्च था, जो फाइटर जेट्स थे वो हमने सारे देखे, और लास्ट में हमें फर्स्ट टाइम शायद ये शामिल हुआ है ना इसमें J-11C। शुरुआत में जो आए थे फ्लेयर्स बताए वो शानदार लगा, उसके बाद
काफ़ी डिफरेंट टाइप के जो लड़ाकू विमान है, मुझे इतनी नॉलेज है नहीं इसके बारे में कि कौन से किस टाइप के होते हैं और उनकी क्या होती है, पर पाकिस्तान के पास काफ़ी सारे हैं ना, उसमें ये लेटेस्ट है ना J-10C सॉरी ओके। बाकी और कौन कौन से फाइटर एयरप्लेन्स हैं? F-16 भी है ना, मिराज का था एक, एक मिराज का था, एक JR-17 था इसको यार, और कोई J-17 थंडर कुछ भी ऐसा कुछ भी है ना, ऐसा भी कुछ है शायद, चार पांच बताए थे इसमें। ओके, तो ये पाकिस्तान डे परेड को होता है शायद, परेड भी होती है, और मेरे हिसाब से जितनी भी आर्टिलरी और जितनी भी टैंक्स है इनकी भी शायद इनको भी बताया जाता है, पर ठीक है ये वीडियो पर्टिकुलर उसका था तो हमने ये देखा, और ये अभी लेटेस्ट है ना, तो इसमें जो अभी बोल रहे थे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है ना, उसमें इमरान खान भी थे और पाकिस्तानी जो जनरल हैं सेना के वो भी थे, उनका बाजवा साहब है ना। ठीक है, तो ये था वीडियो, इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेंथ हमें दिखाई दी है। अब पहले भाव से पूछ लेता हूँ, हाँ वो बहुत सारे फाइटर बन बताए थे, चार पांच, F-16 था, JR-17 था, तो उनमें इन्होंने लाइन बोली थी दुश्मन अपन ही है, दुश्मन अपने इधर भी आ सकता, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ऊपर गिर गया तो ओके चलिए मजाक की बात है। देखिए हर हर कंट्री को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, सही है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वॉर होती है वो किसी सोल्यूशन नहीं होती, किसी का बर्बादी होती है, और आज जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो यूक्रेन और रशिया का वॉर है। रशिया इतना पावरफुल है, यूक्रेन को बीट नहीं कर पा रहा है, यूक्रेन को भी बहुत सारी कंट्री फीडबैक दे रही है, सपोर्ट कर रही है, तो वहाँ के रहने वाले लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई है, वो पॉलिटिक्स में उलझ चुकी है, वहाँ के लोगों की लाइफ पर कुछ भी नहीं रहा है। तो युद्ध जो वॉर होता है उसका रिजल्ट ये होता है, किसी को कुछ नहीं मिलता और सभी हारते हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक रीज़न होता है। अब जैसे कि अमेरिकी तरफ रीज़न में देखो तो कनाडा, अमेरिका, उधर की सारी कंट्री एक है, तो इधर की कंट्री भी एक होकर रहे तो उनमें डेवलपमेंट होगी, लोगों के पास इन ऐसी चीज़ों पर खर्चे कम करने पड़ेंगे, लोगों के पास सारी सहूलियत की चीज़ें अवेलेबल होगी, फिर लोग कुछ नए इनोवेशन भी करते हैं, क्योंकि राजनीति पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ होती है कि लोगों के जो डेवलपमेंट उसको भी रोकती है, और ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। जो इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन है वो तो आप सभी जानते ही हैं, पर होप्स हो आने वाले टाइम में सब ख़त्म हो और लोग बिना पासपोर्ट एक दूसरे कंट्री में आ जा सके, और एक ही कल्चर एक ही ज़बान है, तो मेरे हिसाब से एक अलग कंट्री होते हुए भी हम एक रह सकते हैं, मेरा यह मानना है। आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसमें कौन सा फाइटर जेट्स छूट गया है वो भी आप ज़रूर बताइएगा, और आपकी क्या राय है पाकिस्तान डे परेड के बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, और इंस्टा आई डी पे भी आप मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपना ख्याल भी बहुत रखिएगा, और गर्मियाँ हैं तो पानी भी पीते रहिएगा, क्यों बाबू? यस ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।